बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, मुदमंगलमय पूजनीय संत समाज, गुरुदेव जी की जो इन दिनों चर्चा हो रही है वो प्रसंग है गुरुदेव जी और उनसे मिलने वाले अनेक संतों, विद्वानों, महापुरुषों की घटनाएं। आज का प्रसंग है गुरुदेव जी और संत हृदय राम जी महाराज। गुरुदेव जी का कार्यक्रम भोपाल के गांधी भवन में चल रहा था। उस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार 60 शताब्दी मना रही थी। ये सन 1998 का समय था और जो कार्यक्रम हुआ करता था वहाँ तो गांधी भवन में होता था। भार्गव जी एक सज्जन थे, श्री रामचंद्र भार्गव, बहुत अच्छे थे, अवे कार्यक्रम करवाते थे और निवास पास में ही वहाँ पर एक वीआईपी गेस्ट हाउस तो वहाँ पर हुआ करता था, ज़्यादातर वहीं रहते थे। तो उन दिनों गुरुदेव जी संत कबीर और उनके उपदेश, ये पुस्तक है एक, इस पर लिखते थे। एक सज्जन आए और बताए कि महाराज जी, हम लोग सिंधी समाज हृदय राम जी महाराज के आश्रम से आए हुए हैं और महाराज जी ने जब से सुना है आपके बारे में वे बहुत आपकी याद कर रहे हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा उनका भाव है तो हम जरूर चलेंगे। तो गुरुदेव जी अपने संतों के साथ वहाँ पर गए। दो तीन गाड़ियाँ आ गई और सब संत लोग गए। एक दूर चल करके सिटी से बाहर अलग थलग एक जगह है और वहाँ पर शांत एकांत एक बगीचे जैसी जगह थी और खाली जगह, सब झोपड़ा कुछ रहा और ऐसे सब बैठे थे। महाराज जी बूढ़े संत थे, उनकी उम्र उन दिनों लगभग 90 वर्ष की रही होगी, 85-90 से कम नहीं थे। शरीर पर कोई कपड़ा ज़्यादा नहीं था, ऊपर तो खुला ही शरीर था, नीचे एक फाटा पहने हुए थे। और जैसे ही गुरुदेव जी पहुँचे वे खड़े हो गए और संत सब लोग पहुँचे। गुरुदेव जी उनको प्रणाम किए झुक करके, अबे हाथ पकड़ लिए गुरु जी का और हाथ पकड़ करके अपने सिर पर लगाए। गुरुदेव जी ने कहा, साहब महाराज जी आप क्या कर रहे हैं? कहे नहीं, आप मेरे सिर पर हाथ धर दीजिए। तो फिर वो अपने से ही उठा करके गुरु जी का पकड़ करके हाथ सिर पर रख लिए, फिर बैठे। गुरु जी को बैठाए पहले, फिर अपना बैठे। सभी संत लोगों के लिए चटाई बिछी थी, सब लोग बैठे। भक्त लोग भी काफी उनके थे, महाराज जी के, सिंधी समाज के। सिंधी संतों में भी बहुत अच्छे अच्छे योग्य लोग होते हैं और विचारक होते हैं। उनकी कुछ मान्यताएं थोड़ी अलग हैं, सबकी होती हैं अलग अलग, किसकी एक हो सकती है, लेकिन सदाचार और साधना, संयम, त्याग तो सब जगह इसका महत्व तो होता है। तो फिर बैठे और सब लोग बड़े भावपूर्वक, काफी लोग थे, 10-15 उसमें नर नारी थे, सब लोग बैठे। महाराज जी से गुरुदेव जी ने कहा कि महाराज जी कुछ आप सुनाने की कृपा करें। तो खुद कहा, नहीं आपको हम सुनेंगे, आप सुनाइए। उनका बहुत आग्रह रहा, फिर गुरुदेव जी सुनाए। समाज सुधार के साथ साथ विशेष रूप से गुरुदेव जी ने ये बताया कि व्यक्ति को अपने जीवन में शांति की कमाई करना चाहिए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा और भी कुछ हम कमाते रहे तो कुछ नहीं किए, क्योंकि अगर शांति की कमाई ना हुई, साधना, संयम, निश्चिंतता, निर्भयता, प्रसन्नता और जीवन हमारा निर्विकार होकर के ना बीता तो फिर कुछ नहीं हुआ। जो पाए वो सब बाहर की चीजें होती हैं और सब
यहीं रह जाती हैं और हमारे मन में क्लेश, चिंता, भय, असंतोष ये हरदम हमें पीड़ित और विचलित करते ही रहते हैं। इसलिए मानव जीवन में आने का यही फल है कि कल्याण की प्राप्ति, शांति की कमाई, और यह काम ऐसे महान ज्ञानवान संतों की संगति, उनकी शरण, उनके शिक्षा, उपदेश, सेवा, सोहबत से ही संभव है। तो इस प्रकार थोड़ी बात कह करके गुरुदेव जी शांत हो गए और फिर महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी अब आप कृपा करें। तो फिर वे थोड़ी देर बोले, उन्होंने कहा कि कबीर साहब ने तो कहा ही है, मरता मरता जग मुआ, मुझे न जाना कोय, ऐसा होय के नाम हुआ जो बहुरी न मरना होए। तो मरते मरते के उन्होंने मरता मरता कहा कि मरता मरता जग मुआ, मुझे न जाना कोय। और फिर थोड़ा सा इस पर बताए कि संसार में सब लोग चले जाते हैं, कोई नहीं रहता, और अपना भी शरीर, उन्होंने कहा कि देखो हमारा शरीर भी बूढ़ा हो गया और ये निरंतर मर ही तो रहा है। और फिर थोड़ा सा बस 4-5 मिनट वे बोले कुछ ऐसे, बड़ी सहजता से जैसे बात कर रहे हों इस ढंग से बोले, और फिर कुछ और आपसी चर्चाएं हुई आश्रम की, वहाँ छोटा सा जो आश्रम था उसकी चर्चाएं हुई लोगों की, कहें लोग आते रहते हैं सब, यहाँ सबका सेवा भाव रहता है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी सत्संग हो जाता है, तो ऐसी चर्चाएं हुई। और फिर उन लोगों ने कुछ गुरु जी के साथ गए हुए संतों की सेवा भी किया, कुछ दक्षिणा पूजा आदि हुई, और सब बहुत अच्छा रहा माहौल। गुरु जी से इतना वे प्रभावित हुए कि वहाँ से गुरु जी के आने के बाद फिर उन्होंने अपने आश्रम में यह नियम ही लागू कर दिया कि यहाँ कोई भी आएगा तो सफ़ेद कपड़ा सिर पर रख करके आवे। उनके दूसरे कुछ कपड़े होते हैं लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज जी देखो श्वेत वस्त्रधारी हैं, अब पूरा श्वेत वस्त्र तो हम नहीं कहेंगे लेकिन जब कोई आवे यहाँ तो सफ़ेद कपड़ा सिर पर रख करके आवे, ऐसे उन्होंने नियम ही बना दिया। फिर इसके 3-4 साल 5 साल समय हो गया होगा कम से कम, इसके पश्चात फिर से एक बार वहाँ जाना हुआ। भोपाल शायद इंदौर से लौटे थे और कहाँ से लौटे थे, तो उन्होंने पहले से संपर्क कर लिया था और कहा कि महाराज जी आपको आना है। तब तक महाराज जी का शरीर छूट चुका था, वे नहीं रह गए थे हृदय राम जी महाराज, लेकिन गुरु जी गए, उनके भक्तों ने, उसमें साधु नहीं होते ज़्यादा, सब भक्त रूप में ही होते हैं। तो अब होते होंगे, संत तो होते होंगे लेकिन वहाँ पर नहीं थे उन दिनों। फिर सब लोग गए और सेवा किए, थोड़ा सत्संग भी हुआ, लेकिन वो याद करके पूर्व की घटना, महाराज जी की बातें, गुरु जी ने भी काफ़ी कुछ भावपूर्वक चर्चाएं किया और सब भक्त लोग बड़े आनंदित थे। इस प्रकार से एक सिंधी समाज से उस समय संपर्क हुआ, उनके संतों से और उनके सिद्धांत ज्ञान विचार से बहुत बढ़िया उन लोगों का जो संपर्क हुआ, अच्छा लगा देख करके। अगली घटना आती है संत लीला शाह जी महाराज की समाधि भूमि। ये संत ये भी सिंधी समाज के ही थे, गुजरात के थे, और लीला शाह जी महाराज ये आसाराम जी के गुरु थे, और ये सन 1979 में गुरुदेव जी गुजरात के कार्यक्रमों में थे, उन्हीं दिनों आपका त्रियोदशी सत्संग कार्यक्रम आदिपुर में था। आदिपुर उधर पश्चिमी छोर पर है, लीला शाह जी महाराज नाम के एक वैराग्यवान संत वहां रहते थे, उन्हीं की समाधि भूमि पर गुरुदेव जी का यह कार्यक्रम हुआ। आपका प्रवचन चल रहा था, एक वृद्ध सज्जन आए, जहां पर सत्संग था वहां पर पंडाल लगा था, मंच था, बहुत श्रोता थे और गुरु जी प्रवचन कर रहे थे। एक सज्जन जो बड़े भद्र पुरुष थे, वो चंदन लगाए और भद्र मोटे गोरे और कपड़ा भी थोड़ा सा लाल रामनामी चादर जैसे ओढ़े थे,
बैठे नहीं, वो आए और पंडाल में ही एक जो बांस लगा था उसी के सहारे खड़े हो गए और देर तक सुनते रहे, पीछे खड़े हो गए थे। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो देखते रहे कि अब लोग मिलजुल रहे हैं। जब काफी कुछ लोग मिलजुल करके जाने लगे और फिर गुरु जी को भी चलने का समय हो गया, गुरु जी चल पड़े, तब वो खड़े देखते रहे सब और फिर रास्ते में मिले। उसी तरफ से होकर के गुरु जी को निकलना था, फिर रास्ते में मिले। उन्होंने कहा, महाराज आपके विचार बहुत ही लाभकारी हैं, ऐसे विचारों की आज जरूरत है, ऐसे संत होना चाहिए जो सबके लिए समता भाव रखते हुए साधना शांति और कल्याण की, जीव के कल्याण की बात बतावे। महाराज आपके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हूँ, आप हमें भी समय दीजिए और हम आपका सत्संग कार्यक्रम कराना चाहेंगे। गुरुदेव जी ने कहा कि अब समय से मिले जुले हैं, ऐसे तो कार्यक्रम हम नहीं दे देते हैं कोई कहीं भी मांग ले, जो मिलते जुलते हैं उनको हम जानते पहचानते हैं, उनके स्वभाव को, और फिर लगे रहते हैं, जब कभी हमें समय बनता है तब हम दे पाते हैं, ऐसे तो दे नहीं देंगे, हमारी व्यस्तता रहती है। कोई हम पेशेवर प्रवक्ता तो नहीं है कि कहीं ही कोई बुला ले, हम जो हमारी बातों को जानता समझता है और उसको लाभ लगता है उसके यहाँ जाते हैं, क्योंकि कोई भी बुला ले ऐसा नहीं, हम कहीं भी जाएं ऐसा तो नहीं कि उनके अनुसार हम बोल देंगे, हमारा एक सिद्धांत है और हम उस ढंग से बोलेंगे और किसी को अच्छा लगे तो वो बुलावे, ना अच्छा लगे कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने विचारों में बदलाव नहीं कर सकते। इस प्रकार से गुरु जी ने थोड़ा खुलासा करके कहा, तो फिर वे खुश रहे, चाहते थे, लेकिन फिर इतना किसकी लगन, और जिसकी लगन होती फिर उनको कार्यक्रम मिलता था, फिर वो मिले नहीं, संयोग नहीं बना और फिर वहाँ नहीं जाना हुआ। तो ये लीला साय जी महाराज एक बड़े, वे अच्छे संत थे, वैराग्यवान संत थे, तो उनकी समाधि पर उनके ही अनुयायियों ने कार्यक्रम करवाया था और गुरुदेव जी गए थे और उनके प्रति गुरु जी का भाव रहता था लीला साह जी महाराज। तो जहां भी वैराग्यवान संत मिलते थे, गुरु जी सदैव कोई भी मत पंथ के हों, उनसे मिलने के लिए गुरु जी की सदैव उत्कंठा होती थी। और एक सच्चे साधक, अंतर्मुखी साधक के मन में यही होना चाहिए कि वो भेदभाव रहित, अपना पराया भाव छोड़ करके जहाँ भी ज्ञान बोध वैराग्य साधना और त्याग संपन्न संत मिले, जरूर उनके दर्शन करने जाए, उनसे मिले जुले, उनसे सीखे, रहे अपने में और मिले जुले सीखे सबसे। यही है सद्गुरु कबीर ने जो कहा है, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिलिए कह होए, हमरे देखत जग जात है ऐसा मिला न कोय। तो अपनी बातें, अपनी बातों में ठहरे और जिए और सबकी सुने, सबकी जाने। मदर टेरेसा का नाम कौन नहीं जानता होगा, ये ईसाई मिशनरी की एक बहुत ही योग्य साधिका रही और उन्होंने सेवा का काम किया, पूरी दुनिया में उनका नाम है और वे एक बहुत योग्य महिला रहीं। वो स्वयं बड़ी गरीब घर की रहीं और बचपन में उनको काफ़ी तकलीफें भी झेलना पड़ा, जीवन निर्वाह के लिए भी और भी अनेक समस्याएं उनको उठाना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी उनकी सेवा भावना बढ़ी, जो देखो समय कमारा होता है वही कुछ कर पाता है, एकदम बैठे खाते सुविधाओं में रहते हुए, मौज शौक करते हुए और सब लाड प्यार दुलार में कोई योग्यता अंदर नहीं निखरती है, वो अंदर ही अंदर सुप्त हो जाती है। लेकिन जो संघर्ष करता है, जिंदगी में कुछ झेलता है और फिर उसमें अडिग होकर के आगे बढ़ता जाता है, वही फिर कुछ कर पाता है। तो मदर टेरेसा का जीवन ऐसा ही था, शुरू में उन्होंने काफी कुछ समस्याएं
भी झेली। और फिर उनके जो पोप लोग थे उन्होंने देखा कि इनकी कुछ योग्यता है, तो ये विदेश की रहीं, फिर उन्होंने भारत इनको भेज दिया और ये भारत की गरीबों की वे सेवा करना चाहीं और यहाँ आईं। कलकत्ता में कहीं पहले थोड़ी सी किराए की जगह लेकर के रहने लगी और वहाँ जहाँ पर झोपड़पट्टियाँ होती थी, गरीबों की बस्तियाँ होती थी, वहाँ जा कर के रहने लगी, उनके बच्चों को पढ़ाने लगी, वहाँ कुछ सेवा करने लगी, सफाई का काम भी करने करवाने लगी। तो लोगों को संदेह होता, ये कौन यहाँ आकर के रह रही है, इस ढंग से हम लोगों को कहीं धोखा तो नहीं देंगे अब सेवा के नाम पर। लेकिन लोगों का विश्वास बढ़ता गया, फिर धीरे से वे और आगे बढ़ी, फिर जमीन ली और एक बड़ी संस्था कायम की, बहुत लोग फिर रहने लगे, अनाथ और असहाय लोगों की वे सेवा करते थे और ज़्यादातर बच्चों की करते थे। जो बच्चे नाजायज ढंग से कहीं पैदा हो जाते हैं अथवा कोई उनकी सेवा नहीं करता, कहीं फेंक दिए, किसी भी तरीके से वे पा जाएं तो ला करके वो पालती थी, सेवा करती थी। तो गुरु जी जा रहे थे कहीं श्री प्रेम प्रकाश जी के साथ, वहाँ पर उन दिनों बारक प्रकाश पत्रिका की छपाई हुआ करती थी, सन 1974 की बात है। तो रास्ते में देखे कि एक बोर्ड में लिखा हुआ है मदर टेरेसा। तो गुरु जी जैसे पढ़े तो प्रेम प्रकाश जी से कहे कि भाई थोड़ा रुको, तो यहाँ पर मदर जी का ये स्थान है, तो जरा हम उनसे मिल लेते हैं, पहले से हम नाम सुन रखे हैं तो उनसे मिलने का विचार है। तो फिर गाड़ी रोकी गई, अंदर गए, पूछने पर पता चला कि मदर टेरेसा अभी यहीं हैं। गुरुदेव जी ने कहा कि चलो आज चलते हैं, मिलते हैं। आते ही पहुंचते ही वे बड़ी सरलता से, आत्मीयता से मिली। कुशल समाचार पूछने के बाद सब लोग बैठे, बात करते रहे। मदर टेरेसा की इस संस्था में अनाथ, अपंग, दीन, दुखी, बच्चों को और बूढ़े सब प्रकार के लोगों को रखा जाता था। जो असहाय लोग, घर के भी मारे सताए लोग, उनको भी वे रख लेती थी और सेवा करती थी। उनके पास कुछ भी नहीं था। जब वे बाहर से आई हैं, किस देश से आई हैं ये तो पता नहीं मुझे, उनका आत्मविश्वास था कि हम सेवा करेंगे और सेवा करने वाले के लिए सब कुछ हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि धन ऐसे सेवा हो, और भी किसी ढंग से सेवा। और जब सेवा शुरू करता है व्यक्ति और लोग देखते हैं जब, तो फिर वो सहयोग करते हैं, धन भी देते हैं, सहयोग चीजें भी देते हैं, जमीन भी देते हैं और अनेक प्रकार की सुविधाएं भी देते हैं। इस प्रकार से उन्होंने एकदम अकिंचन अवस्था में शुरू किया और धीरे 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 बहुत कुछ उनकी सेवाएं बढ़ गई। गुरुदेव जी मदर टेरेसा के साथ अंदर घूमने गए। उस समय उनके उस निर्मल हृदय कक्ष में 150 बच्चे थे। उनकी संस्था का नाम था निर्मल हृदय। तो 150 बच्चे थे, दो बच्चे 2 दिन के थे, अन्य सभी 1 या 1.5 वर्ष के अंदर के थे। सुबह का समय था, बच्चों की मालिश हो रही थी, लेकिन कोई बच्चा रो नहीं रहा था। इतना बढ़िया सेवा कर रहे थे और उनकी साथ में सेवा करने वाली बहुत सारी नंस महिलाएं भी थी, तो वे सब ईसाई मिशनरी में समर्पित होकर के सेवा करती हैं। तो यहाँ भी आई रही, तो बहुत लोग नहीं, सब सेवा में लगी थी, मालिश करना और उनको नहलाना, धुलाना, खिलाना और हर प्रकार से उनकी परवरिश कर, ये सब हुआ करती थी। तो 150 बच्चों में और उनकी सेवा का समय था, जबकि मालिश करते समय ही बच्चे ज़्यादा रोते हैं, लेकिन कहीं से रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। मदर जी ने कहा कि जितनी हमारी नंस बहनें हैं उन सबके कमरों में पंखा कहीं नहीं है। उन्होंने बना रखा था त्याग भाव कि हम लोग पंखा लगाएंगे, बिजली खर्च होगी, पंखा चाहिए, फिर और हमारा ये सारा काम सेवा पर निर्भर है और फिर इसके लिए खर्चा कहाँ से आएगा, और फिर हम लोग अपनी सुविधा में सब खर्चा करने लग जाएंगे तो इन बच्चों के लिए कैसे सेवा कर पाएंगे, और लोग थोड़ा थोड़ा करके दान देते हैं तो उससे काम चलाते हैं। तो वे
जो सेवा करने वाली बहनें थी उनके लिए भी वो पंखा वगैरह की व्यवस्था नहीं किए थे, ना अपने कमरे में रखी थी पंखा। जहाँ पर मिलते जुलते थे सार्वजनिक रूप से बैठ करके, वहाँ पंखा था। कहाँ, यहाँ पर सब लोग आते जाते हैं तो यहाँ एक पंखा लगा लिए हैं। उन्होंने कहा कि हम सबसे निष्प्रिय रहते हैं और जो बहनें हैं सेवा करने के लिए आती हैं, समय से चली जाती हैं, तो हम किसी से अपेक्षा नहीं रखते हैं। जब जिसको जितना रहना हो रहा है तो अच्छा है। एक त्याग भाव वाले को ऐसे ही जीवन होता ही है। उस सब कुछ निभाती हैं, सेवा करती हैं और बहुत बढ़िया ये व्यवहार था। गुरुदेव जी और बौद्ध भिक्षु भदंत श्री आनंद कौशल्यायन, सन 1984 की बात है। संत श्री सनात साहेब जी के आग्रह से गुरुदेव जी ने रघुआपट्टी क्षेत्र के लिए कार्यक्रम का समय दिया। रघुआपट्टी ये महाराष्ट्र नागपुर के पास पड़ता है। ये अनेक गांवों का एक समूह है और इस क्षेत्र में ज्यादातर कबीरपंथी भक्त लोग रहते हैं। काफी दिनों का कार्यक्रम वहां पर करने के पश्चात गुरुदेव जी को इलाहाबाद के लिए नागपुर से ट्रेन पकड़नी थी। आप नागपुर में जब आए तो आपको भदन श्री आनंद कौशल्यायन जी की याद आई। आपने अपने साथियों से कहा कि यहीं कौशल्यायन जी रहते हैं, चले उनके दर्शन कर लेते हैं, अभी समय है, और फिर उनसे मिल करके फिर ट्रेन स्टेशन आ जाएंगे ट्रेन पकड़ने के लिए। जब गुरुदेव समाज सहित कौशल्यायन जी के पास पहुँचे, जैसे ही उन्होंने जाना कि कुछ संत आए हुए हैं, तो वे उठ करके चौकी पर बैठे थे, चटाई बिछाने लगे और गुरुदेव जी और कौशल्यायन जी का आपस में अभिवादन प्रत्याभिवादन हुआ हाथ जोड़ करके, और फिर सब लोग चटाई पर बैठ गए। और फिर कौशल्यायन जी ने गुरुदेव जी की तरफ मुस्कुराते हुए पूछा कि ये चलता फिरता विश्वविद्यालय किधर से आ रहा है। गुरुदेव जी ने बताया कि हम लोग महाराष्ट्र के कुछ कार्यक्रमों से लौट रहे हैं और अब इलाहाबाद जाना है, और इधर आपकी याद आई तो आपके दर्शन करने के लिए आ गए। गुरुदेव जी की इच्छा थी कि कुछ पुस्तकें मदन जी को दिया जाए, लेकिन कार्यक्रमों से लौटने के कारण आपके पास पुस्तकें लगभग समाप्त तो हो चुकी थी। आप जब इलाहाबाद आए तो डाक द्वारा आपने पुस्तकें उनके पास भेजा, साथ साथ उसी में एक कबीर दर्शन पुस्तक भी रखे। जब पुस्तकें आई, कौशल्यायन जी ने उनको देखा, उसमें से एक कबीर दर्शन जो थी, कौशल्यायन जी ने उसको विशेष रूप से पढ़ा, और जब पढ़ डाले पूरा, तब एक पत्र गुरुदेव जी के पास लिखे। उन्होंने लिखा कि मेरी आँखों में इन दिनों मोतियाबिंद है और मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पढ़ करके इस पुस्तक को सुना सके, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने कबीर दर्शन इस पुस्तक को पूरा पढ़ डाला। इसके एक-एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपने बहुत मेहनत करके इस पुस्तक को लिखा है। इसके अनेक संदर्भों को आप अलग-अलग पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित कीजिए, इससे समाज का बड़ा लाभ होगा। मदन जी का जीवन अत्यंत सादा और वे बड़े सरल मन वाले थे। ठंड के दिनों में भी वे बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे। उनकी स्कूली डिग्री तो बहुत नहीं थी, लेकिन वे 13 भाषाओं के विद्वान, उर्दू, फारसी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत आदि तो उनके जुबान पर होती थी। इंग्लैंड, श्रीलंका आदि और भी कई देशों में वे जा कर के पढ़ाए। भारत में उनको लोगों ने उतना महत्व तो नहीं दिया क्योंकि उनके पास स्कूली डिग्री नहीं थी, लेकिन महाविद्वान, साधक और बौद्ध दर्शन पर सब प्रकार से योग्य महापुरुष भदंत जी अत्यंत तेजवान महापुरुष थे, और गुरुदेव जी से आपका जो संपर्क हुआ बड़ा महत्वपूर्ण रहा। उनका एक वचन याद आता है कि जैसे ही वे मिले तो
प्रथम वचन ही उन्होंने कहा कि ये चलता फिरता विश्वविद्यालय किधर से आ रहा है। गुरुदेव जी को वो विश्वविद्यालय के उपमा देते हुए कहे, निश्चित ही जो महापुरुष होते हैं विद्वान की अपनी एक शैली होती है, उनके शब्द होते हैं, और वे अन्य विद्वानों को महापुरुषों को कैसे संबोधित करना चाहिए वे अच्छी तरह से जानते हैं। अगली घटना, गुरुदेव जी और आनंद मूर्ति गुरु मां 11 दिसंबर 2009 को आनंद मूर्ति गुरु मां जी का फोन आया। गुरुदेव जी उन दिनों कबीर नगर के कबीर आश्रम में थे। आप दोनों का फोन पर अभिवादन प्रत्याभिवादन हुआ और कुशल समाचार जानने के बाद माँ जी ने कहा, साहब आपकी बीजक व्याख्या हमारी पुस्तकालय में रखी थी, अभी तक मैंने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया था और उस पर ज़्यादा कुछ अध्ययन नहीं कर पाई थी, लेकिन अब की बार अपनी लाइब्रेरी को मैं सफाई करवा रही थी और उसी समय फिर मैंने बीजक व्याख्या को देखा और फिर उसको अलग से रख लिया अपनी टेबल पर, और जब पढ़ना शुरू किया तो फिर अब छोड़ने का मन नहीं होता है। अद्भुत पुस्तक है, कबीर साहब की प्रतिभा, उनके सोचने का ढंग, उनका साहस, उनकी निष्पक्षता अद्भुत थी, और साथ साथ आपकी जो व्याख्या करने की शक्ति है, बड़ा सरल और बहुत ही रोचक ढंग से आपने बड़ा सराहनीय काम किया है। उन्होंने आपसे पूछा कि साहब इस समय आप कहाँ रहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा कि अभी तो मैं इलाहाबाद आश्रम में हूँ, लेकिन थोड़े दिनों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आदि क्षेत्रों के कार्यक्रमों में जाना है। उन्होंने हंसते हुए कहा, आप तो दूर दूर तक आग लगाते रहते हैं, और साहब हमारी तरफ भी कभी पधारने की कृपा करें, हम आपको चाहते हैं। गुरुदेव जी ने कहा, जब संयोग होगा तो हो जाएगा, उधर भी आना। उन्होंने पुनः कहा कि साहब संयोग तो हमें आपको बनाना पड़ेगा, कोई भगवान तो नहीं बैठा है जो संयोग को बना देगा, हमारा निवेदन तो यही है कि आप हमारी तरफ भी, हमारे आश्रम में भी दर्शन देने की कृपा करें, फिर जैसी आपकी मौज हो। आइए, गुरुदेव जी के द्वारा जो आनंद मूर्ति गुरु माँ जी का संवाद हुआ था फोन पर, उसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग है और उन्हीं महापुरुषों के शब्दों में आप सुने। आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? जी कृपा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल ठीक है। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने निजी पुस्तकालय में थोड़ा खुद ही सफाई करवा रही थी, तो आपका दिया हुआ बीजक जो है वो मेरे हाथ लगा, वो दोनों उसके जो है भाग, हाँ तो है। तो परसों से हम पढ़ रहे हैं उसको, बड़ा आनंद आ रहा था। हाँ। तो बहुत इच्छा भी जगी, मैंने कहा बहुत काल हो गया, नेट भी नहीं हो पाई और कुछ खबर भी नहीं, और मेरा इलाहाबाद आना भी नहीं हो पाया फिर उसके बाद कल भी। जी हाँ। तो लगा फोन नहीं, आपका समाचार तो ले। बहुत बढ़िया, आपकी शिष्या एक है वो आती है, सब मैं पूछा करता हूँ, कुशल मंगल आपके विषय। जी 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 जी, आपका बड़ा है। आप कभी दिल्ली की तरफ आ रहे तो इधर भी चरण रखिए अपना। हाँ, दिल्ली तो मेरा कार्यक्रम होता है ये अक्टूबर नवंबर के बीच में, अब की बार अक्टूबर में था दिल्ली में, फरीदाबाद में इस सप्ताह। हाँ नहीं, वो हमें तो इसकी जानकारी नहीं थी, पर चूँकि अब ये इतने लंबे समय बाद आपसे वार्तालाप हो रहा है तो हम अपना निवेदन रखते हैं कि अब जब आप इधर को हुए तो अपने शिष्यों से कहिए वो हमारे यहाँ सूचित करा दें, तो कुछ समय निकालिए, इधर भी थोड़ा कल्याण कीजिए, प्रेमी आपको मिलके बड़ा आनंदित होंगे, क्योंकि मैं आपका जिक्र कई दिन से करती हूँ और बड़ा आनंद होता है इस विषय में जब भी चर्चा होती है। आप विचारक है ना, विचारक है इसलिए। नहीं तो बात तो जो 100% सच्ची है तो वो पसंद वाली स्थिति कोटि से तो बहुत ऊपर निकल जाती है। जी तो प्रणाम करना ही पड़ता है, सच्चा में पसंद नापसंद तो आ ही नहीं सकती है। जी। पिछले दिनों हमने कबीर साहब के जो साखियाँ हैं उनके कुछ दोहे हमने गाए थे। अच्छा। तो फिर उस समय आपके यहाँ भिजवाए थे। हाँ, वो सुना था।
हम तो खुद सोच रहे थे कुछ समय से कि लंबा समय हो गया तब रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, लेकिन कभी साथ पर एक लंबी श्रृंखला चली थी, लग रहा था कि वो बीजे पहुँचे ऐसे कभी साथ आ गए हैं अकल में फिर से, लग रहा है कि इन्हीं की चर्चा एक बार फिर से बड़ी धूम से होनी चाहिए ताकि श्रोताओं के पास जो जो जलती हुई आग है ये तो पहुँचनी ही चाहिए। पूरा खबारा तो उसी से जलेगा और कैसे जलेगा। मुझे स्मरण है कुंभ आने वाला था जब हमारी आपसे आखिरी मुलाकात हुई है, जब आपने बोला कि कुंभ में जा रहे हैं और वहीं जाकर के सुनाएंगे कि यहाँ कोई लाभ नहीं होने वाला। यहाँ पर अच्छा, बाकी जब आप जब दिल्ली में पधारे तो ये है, और इधर जब कृपा करने का आपका मौज आ जाए तो कहिएगा, तो कुछ दिक्कत ही नहीं, हम तो निभा लेंगे सिर्फ, और ये सोचना भी नहीं पड़ेगा कहाँ और कैसे आना है। और आप आए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद होगा। देखिए संयोग जब पड़े आप सोचते हैं, ऐसा है संयोग भी तो हम ही बनाएंगे और कोई बताते बेटा भगवान थोड़ी बनाएगा, नहीं बनाएगा। वो तो जो सोचेंगे तो हो जाएगा, तो आप सोचेंगे अगर आपको तो मेरा तो निमंत्रण है, बाकी आपकी मौज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके विचारों का बहुत स्वागत है, आपके निमंत्रण का स्वागत है जी। ऐसा पड़ेगा आप जरूर आ देखेंगे, आप बहुत जोर से आपकी स्मृति आई, बहुत जोर से धन्यवाद जी, आपका बड़ा धन्यवाद ऐसा सुंदर ऐसा वचन बोलने के लिए और फिर से निमंत्रण यहाँ पधारने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है, हम इसका स्वागत करेंगे जी। साहब साहब गुरुदेव जब गुजरात राजस्थान की तरफ से दिल्ली आश्रम कबीर जयंती के उपलक्ष में आए तो वहीं से फिर गुरुमा जी के आश्रम में जाने का संयोग बना। 11 मई 2010 दिल्ली से चलकर सुबह 7 बजे तक आनंद मूर्ति गुरुमा जी के आश्रम गन्नौर सोनीपत हरियाणा आप पहुंचे। वहां दोनों का आपसी शिष्टाचार अभिवादन हुआ। गुरुदेव ने अपनी बहुत सी पुस्तकें दी, पुस्तकें पाकर के वे बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि साहब आपने तो हमें ज्ञान का भंडार दे दिया, ये पुस्तकें ही मेरे आभूषण हैं। और जब कोई ज्ञान का व्यापारी आता है मेरे पास तो मैं कबीर साहब की 2-4 साखियां दोहे उनके सामने रख देती हूँ और कहती हूँ कि बताओ इसका क्या अर्थ है, फिर उसकी जबान बंद हो जाती है। उन दिनों उनके आश्रम में विद्यार्थी बच्चों का एक शिविर चल रहा था। उन्होंने गुरुदेव जी के लिए भी निवेदन किया कि आप भी वहाँ पधारें और अपने आशीर्वाद देने की कृपा करें। निश्चित समय पर गुरुदेव जी उनके सभा गृह में पधारे, कुछ समय तक आपके भी विचार वहाँ हुए और उनके भी विचारों को भी गुरुदेव जी ने सुना। गुरुदेव जी के प्रवचन के बाद गुरुमा जी संक्षेप में फिर आपका परिचय समाज में वहां दिया। शाम को फिर वे काफी देर तक गुरुदेव जी के पास बैठी, 2 दिनों तक वहां गुरुदेव जी का रहना हुआ और इस बीच में अनेक बार गुरुदेव जी के पास वे आती रहीं, देर तक बैठती रहीं, आपस में बड़ी चर्चाएं होती और ज्ञान विचार की और संत समाज की साधकों की साधना की अनेक विषयों पर चर्चाएं होती रहीं। गुरुदेव जी ने कहा कि हम नहीं मानते हैं कि हम जो विचार देते हैं लोगों को इससे उनका सुधार हो ही जाएगा। इतना सुनते ही गुरु माँ जी एकदम उछल पड़ी। उन्होंने कहा साहब यह तो बात बिल्कुल सच है, हम स्वर्ण अक्षरों में लिख करके दे सकते हैं कि किसी का बहुत बदलाव करने की आशा नहीं रखना चाहिए। अगर कोई आता है तो हम उससे कहते हैं तुम हमारे पास आते हो तो आओ, तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने के लिए हमारे पास काफी समय है, हम तुम्हें कुछ सुनाते हैं तो यह नहीं मानते हैं कि तुम्हारा सुधार हो ही जाएगा, हम यह मानते हैं कि हम अपना अभ्यास कर रहे हैं। गुरुदेव से चलते समय उन्होंने कहा साहब आप हमारे संसार को भी एक बार देख लीजिए, मतलब उन्होंने आश्रम को अपने दिखाना चाहिए। गुरुदेव जी ने कहा कि ठीक है,
हम शाम को टहलने के लिए निकलेंगे, उसी समय फिर आश्रम में भी घूमेंगे। फिर गुरुदेव जी को शाम को वे काफी देर तक अपनी अनेक जगहों को आश्रम में घुमाती रहीं और अंततः फिर गुरुदेव जी निवास पर आए और 2 दिन रह करके फिर गुरुदेव जी का वहाँ से चलना हुआ। चलते वक्त पुनः वे आईं और आपसे कुछ बातें करती रहीं। बहुत प्रसन्न थी। गुरुदेव जी के तर्कपूर्ण विचार, निष्पक्ष रहनी, अंधविश्वास चमत्कार रहित जो आपका तेजोमय ज्ञान, सद्गुरु कबीर का पारक सिद्धांत आदि, इन विचारों से वे काफी प्रभावित रहती और बहुत खुश रही, क्योंकि वे स्वयं भी वैसा जीवन जीती हैं। और जिनका जीवन इस प्रकार से रहनी, बोध, ज्ञान, साधना संपन्न होता है, तो फिर दूसरे साधकों के प्रति उनके मन में अपने आप प्रसन्नता और रुचि होती ही है। इस प्रकार गुरुदेव जी वहां 2 दिन रह करके पुनः फिर इलाहाबाद कबीर आश्रम आ गए। अगली घटना है गुरुदेव जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मुलाकात। गुरुदेव जी पुस्तक प्रकाशन के उद्देश्य से बाबू वैद्यनाथ प्रसाद बुक सेलर बुलानाला स्थित विश्वेश्वर प्रेस पर रह रहे थे। यह सन 1957 से लेकर के 1975 के बीच का समय है। इन दिनों तक गुरुदेव जी काशी में बराबर रहते रहे। उन दिनों गुरुदेव जी के पास श्री रामलाल जी पहुंचे हुए थे। श्री रामलाल जी बस्ती जिला बमनान बाजार के निवासी, गुरुदेव जी के अनन्य प्रेमी एक भक्त हैं। सन 1969 का समय था। बीजक टीका की छपाई चल ही रही थी। एक दिन सुबह गुरुदेव जी रामलाल जी को साथ लेकर के घूमने निकले। दोनों लोग रिक्शा पर बैठे हिंदू विश्वविद्यालय देखने जा रहे थे। विश्वविद्यालय की सड़क पर रिक्शा चल रहा था। पास लान में एक भव्य भवन दिखाई पड़ा। अंदर फूलों से सजी क्यारियां, गेट पर लिखा था कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। गुरुदेव जी ने जैसे ही देखा और द्विवेदी जी का नाम पढ़ा, तुरंत रिक्शे वाले को रोका और उसको पूरा पैसा दे करके छोड़ दिए। और जो द्विवेदी जी का भवन था वहां पहुंच गए। दरबान सामने खड़ा था। उससे गुरुदेव जी ने कहा कि भैया हमें द्विवेदी जी से मिलना है। दरबान ने कहा कि ये फार्म है, आप इसमें लिख दीजिए और मिलने का उद्देश्य भी लिख दीजिए, फिर मैं उनको दूंगा और फिर वे आपसे मिलेंगे। गुरुदेव जी ने कहा कि भैया ये सब फार्म और हटाओ, जाओ बता दो कि संत आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर गया, बताया। द्विवेदी जी ने कहा कि ठीक है, बुला लाओ। और गुरुदेव जी और श्री रामलाल जी दोनों लोग अंदर गए। द्विवेदी जी अपने कक्ष से निकल करके बाहर बरामदे में हाथ जोड़े खड़े थे। गुरुदेव जी पहुंचे। गुरुदेव जी ने भी आपको हाथ जोड़ करके अभिवादन किया और फिर दोनों स्वागत कक्ष में जाकर के कुछ देर बैठे बात कर रहे थे। पूज्य गुरुदेव जी सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी ने कहा कि आप लिखे हैं कबीर नाम की पुस्तक की परिशिष्ट में कि मैं पारक पर कुछ लिखूंगा, लेकिन आपने लिखा नहीं अब तक। द्विवेदी जी ने कहा कि क्या लिखूं, कोई पढ़ता तो है नहीं। आपने कहा आपके साहित्य खूब पढ़े जाते हैं, आप ऐसा कैसे कहते हैं कि कोई पढ़ता नहीं है। द्विवेदी जी ने कहा कि लेकिन जितना चाहिए कहाँ लोग पढ़ते हैं। करीब 15-20 मिनट तक फिर आप दोनों महापुरुषों की बातचीत होती रही और फिर वे घड़ी देखे। गुरुदेव जी समझ गए कि द्विवेदी जी को समय अभाव है और फिर आप भी प्रणाम करके बाहर आ गए। कुछ महीने के बाद अपनी बीजक टीका छपने पर गुरुदेव जी ने उनके पास भेजा और वे पढ़े, बहुत खुश थे। इसके 4 महीने बाद वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में कबीर विचार गोष्ठी के अवसर पर पुनः मुलाकात हुई द्विवेदी जी से। और वहीं पर आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी आए हुए थे जो उस सभा के अध्यक्ष थे। गुरुदेव जी और डॉक्टर ब्रजलाल वर्मा, ये महाविद्वान पुरुष थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो अनेक आईएएस अफसर बनने वाले विद्यार्थी होते हैं, उनका इंटरव्यू लेने वाले इलाहाबाद, कानपुर, इन दोनों जगहों में जो शिक्षण संस्थानों की एक विशेष प्रबंधकारिणी है, इस पर काम करने वाले डॉक्टर ब्रजलाल वर्मा जी थे।
अनेक भाषाओं के विद्वान, जीवन भर आपने साहित्य की सेवा किया, उत्तर प्रदेश आयोग के सदस्य भी रहे आप। आप विशेष रूप से कानपुर में रहते थे, आपका घर तो कहीं और था लेकिन कानपुर में ज्यादा रहना होता था। एक बार आप कबीर पर कुछ लिखना चाहे, आपके एक मित्र है डॉक्टर प्रकाश द्विवेदी जो अवध के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कबीर पर लिखने के लिए उनके विषय में अध्ययन करना जरूरी है। वर्मा जी ने कहा मैं बड़थ्वाल जी को पढ़ा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ा, परशुराम चतुर्वेदी को पढ़ा, रामकुमार वर्मा को पढ़ा, इन विद्वानों को पढ़ने के बाद और बाकी क्या रहा? इसके अलावा कबीर पर किसी ने कुछ लिखा भी नहीं है। प्रकाश द्विवेदी, इन विद्वानों के अलावा एक विद्वान और हैं जो इन सबसे कुछ हट करके हैं, वे हैं संत श्री अभिलाष साहब, क्या आपने उनको पढ़ा? वर्मा जी ने कहा ये कौन है? प्रकाश द्विवेदी, ये कबीर पर एक महान चिंतक संत हैं। वर्मा जी, अरे द्विवेदी जी, इन विद्वानों को पढ़ने के बाद संत को क्या पढ़ना, ये लोग तो अपनी पंथाई की ही बात करते रहते हैं। द्विवेदी जी, आप एक बार उनको पढ़कर के तो देखें, कबीर पर लिखने के लिए अगर आप अभिलाष साहब को नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े। वर्मा जी, अच्छा मैं तो आज तक उनको जानता नहीं, ऐसा है तो उनका साहित्य उपलब्ध कराइए। द्विवेदी जी ने इलाहाबाद आश्रम पर गुरुदेव को एक पत्र लिखा। गुरुदेव उस समय गुजरात के कार्यक्रमों में थे। द्विवेदी जी का पत्र इलाहाबाद से लौटकर गुरुदेव के पास गया, अपने फोन से ही आश्रम में बता दिया कि अमुक अमुक पुस्तकें वर्मा जी को कानपुर भेज दो, साथ में कबीर पर शुक्ल की और मेरी दृष्टि भी भेज देना। गुरुदेव की आज्ञा पाते ही संतों ने तत्काल वर्मा जी को कानपुर पुस्तकें भेज दी। गुरुदेव की पुस्तकें पाते ही वर्मा जी ने सबसे पहले कबीर पर शुक्ल की और मेरी दृष्टि पुस्तक को पढ़ा। अब तो वे आपके प्रति सदैव के लिए श्रद्धावान हो गए। 1995 के वार्षिक अधिवेशन में डॉक्टर वेद प्रकाश द्विवेदी जी वर्मा जी को लेकर के इलाहाबाद कबीर आश्रम आए। उस समय उनको हार्ट का बाईपास ऑपरेशन हुआ था, इसलिए सीढ़ी नहीं चढ़ सकते थे। गुरुदेव जी को पता चलते ही आप खुद नीचे आ गए और उनसे मिले। जैसे ही आप आए वर्मा जी ने कहा कि मैं महाराज जी के चरणों में अपना सिर रखूंगा। गुरुदेव जी ने रोका लेकिन वे माने नहीं, लेट करके प्रणाम किए और फिर जैसे ही उठे वर्मा जी ने कहा कि महाराज जी के समक्ष तो मेरी सारी विद्या भारा करके गिर पड़ी, महाराज जी के विचारों से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। फिर उन्होंने अपनी बातें और कई कहना शुरू किया कि जब महाराज जी आपके बारे में तो मैं जानता नहीं था, यही था कि ये विद्वान लोग ही सब कुछ हैं और इन्होंने जितना लिख दिया है इनसे आगे और कौन लिख सकता है, और मैं कबीर पर कुछ काम करना चाहता था। लेकिन वेद प्रकाश जी ने बताया कि आप अभिलाष साहब को पढ़िए तब कबीर के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। और मुझे तो नहीं लग रहा था कुछ ऐसा, लेकिन जब आपके बारे में बताए और पुस्तकें मेरे पास आई, आपने कृपा करके भेजा और मैं पढ़ना शुरू किया तो फिर खो गया, किसी दूसरे लोक में मानो चला गया। महाराज आपकी भाषा शैली विचार बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आपने जो कबीर पर शुक्ल की और मेरी दृष्टि लिखा है उसको तो मैं शाम को खा पी करके पढ़ना शुरू किया तो बिना कुछ बाहर जाने ही पढ़ करके ही खत्म किया, एक ही बैठने में मैंने पूरी पुस्तक को खत्म कर दिया, एकदम छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा था। महाराज आपने गीता सार की जो भूमिका लिखा है बड़ी मार्मिक है, उसको आप अलग से छाप दीजिए और इससे लोगों को बड़ा लाभ होगा। इस प्रकार वे गुरुदेव जी के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे और सन 2010 तक वे बीच बीच में आते रहे। काफी असमर्थ हो चुके थे, बूढ़े थे। एक बार कबीर नगर में वे आए और आते ही प्रणाम किए और फिर लेट गए। वहीं काफी कुछ असमर्थता थी, कहा महाराज
अब बैठ नहीं पाता हूँ ज्यादा देर, तो लेटे लेटे वे बात करते रहे और बड़ी भाव में गुरुदेव जी के प्रति वो सुनते रहे। और फिर उठे थोड़ी देर में, गुरुदेव जी ने भी सहारा दे करके उठाया और फिर उन्होंने कहा कि महाराज अब चलता हूँ, और फिर से प्रणाम किए और गए। यही उनका अंतिम मिलन था। सन 2010 में उनका शरीर छूट गया। गुरुदेव जी और महर्षि महेश योगी, सन 1965 में प्रयाग का कुंभ मेला चल रहा था और सदगुरु श्री निष्पक्ष साहेब जी की छावनी कबीर सत्संग शिविर नाम से लगी हुई थी कुंभ मेले में, और गुरुदेव जी भी उस समय पधारे हुए थे। और शाम को प्रवचन के पश्चात गुरुदेव जी अनेक पंडालों में संतों महापुरुषों के विचार सुनने के लिए अपने कुछ साथियों सहित जाया करते थे। एक दिन आप महर्षि महेश योगी के शिविर में गए, और जब वहाँ गए उस समय आपकी एक पुस्तक छपी हुई थी संत महिमा। उस पुस्तक से योगी जी बहुत प्रभावित थे। आपने फिर उस पुस्तक को उन्हें 40 प्रतियां दिया और बहुत खुश रहे वे। दूसरी बार सन 1966-67 में जब हरिद्वार का कुंभ मेला था तो गुरुदेव जी वहाँ भी पधारे, और फिर वहाँ पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में 84 कुटिया है, वहीं पर महाराज जी रहते थे योगी जी, उनके दर्शन करने के लिए गए। और उन दिनों उनके पास कुछ विदेशी लोग मिल रहे थे। फिर उनके बाद लखनऊ के एक सज्जन थे, वे रहे बैठे बातचीत कर रहे थे। उनसे बातें करते करते वो सज्जन ने कहा कि महाराज मेरा मन शांत नहीं रहता। उन्होंने कहा रे मन शांत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बस हमारे यहाँ सत्संग शिविर में कोई आवे और 3 दिन का ध्यान शिविर करते ही सब ठीक हो जाता है। गुरुदेव जी की बातें सब सुनते रहे और फिर अंततः दंड प्रणाम करके आप चलना चाहे तो उनके साथ ही थे योगी जी के, उन्होंने कहा महाराज आप भी कुछ पूछिए। कहें बस जो महाराज जी की बातें मैंने सुना है उसी का मनन कर लूँगा, और अब क्या पूछो। लेकिन वो बहुत आग्रह करते रहे। तब गुरुदेव जी ने कहा कि महाराज जी उपनिषदों में ऋषियों ने यह भी कहा है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। जैसे आपने श्लोक को थोड़ा सा कहा वे तुरंत समझ गए, क्योंकि जानते थे पढ़े थे। उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, ये तो हजारों वर्षों से कहा जा रहा है, लेकिन अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, और हमारे इस शिविर में जो आता है और बस 3 दिन की साधना से सब ठीक हो जाता है। अब इस प्रकार की बात कह करके 3 दिन में कोई ये जादू है कोई मन को ठीक कर लेगा? जब तक जो योग दर्शन में कहा गया है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। मन को वश में करना, इंद्रियों को स्वस्थ करना, विचारों को ठीक रखना, संगति को ठीक रखना और कर्मों को पवित्र करना, कोई जरूरत ही नहीं रह गई, जादू से मन ठीक हो जाएगा। गुरुदेव जी को अब की बार थोड़ी सी निराशा भी लगी, लेकिन मिलजुल करके प्रणाम करके आप आ गए। तो इस प्रकार गुरुदेव जी अनेक संतों महापुरुषों से मिलते जुलते रहे और अनेक जगहों से आपने सारग्राही दृष्टि रख करके वहाँ से अच्छे विचार ग्रहण किया, और सब स्रोतों से आपके जीवन में जो मक्खन इकट्ठा होता गया आज उसी का लाभ ग्रंथों के रूप में, आपके विचारों के रूप में, साधना के रूप में और समाज व्यवहार प्रवचन के रूप में आज चारों तरफ फैला हुआ है, और हम सब ऐसे महापुरुष से लाभ ले रहे हैं, और उन गुरुदेव का हम लोगों के जीवन पर अत्यंत उपकार है। और ऐसे निरचीर विवेकी संत गुरुजन मिल जाएं और उनके विचार मिल जाएं, उनका सानिध्य मिल जाए, इससे बढ़ करके और क्या हो सकता है। तो यहीं पर आज की ये सभा समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।